बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 22 और 23 जुलाई को स्वास्थ्य कर्मियों का बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। बड़ी खबर राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां 22 और 23 जुलाई को स्वास्थ्य कर्मियों का बड़ा प्रदर्शन, एनएचएम और एम्स नियंत्रण के कर्मचारी करेंगे आंदोलन। विधानसभा सत्र के बीच प्रदेश में होगा बड़ा प्रदर्शन। अच्छा, सूत्रियों मांगों के साथ होंगे लामबंद। विधानसभा सत्र के बीच प्रदेश में होगा बड़ा प्रदर्शन, बड़ी खबर। कर्मचारियों के 31 दिन के लंबे संघर्ष के बाद पिछली सरकार ने 37,000 संविदा कर्मचारियों के लिए 350 करोड़ का अनुपूरक बजट में 23 में प्रावधान किया था। उसके पश्चात नई सरकार आई और साल भर बीत गया। 24 बार हम सभी लोगों ने मंत्रियों विधायकों से भेंट कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के व एड्स कंट्रोल कार्यक्रम के लगभग 16,000 कर्मचारियों को, जिनको वित्त विभाग से अभी तक 27% वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, उसके लिए लगातार प्रयास करते रहे। दिनांक 22 व 23 को विधानसभा सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रदर्शन के लिए हम सब 16,000 कर्मचारी रायपुर में उपस्थित हो रहे। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर 22 और 23 जुलाई को बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। प्रदेश में बिगड़ सकती है स्वास्थ्य व्यवस्था, बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ सकती है। 22 और 23 जुलाई को स्वास्थ्य कर्मियों का बड़ा प्रदर्शन। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुटे हमारे संवाददाता अमित शर्मा से। जी अमित, बताएं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ सकती है, 22 और 23 जुलाई को बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? जी देखिए, एनएचएम और एड्स नियंत्रण के लगभग 16,000 की संख्या वाले कर्मचारी, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, प्रबंधकीय संसद के लोग हैं, उन्होंने 22 और 23 जुलाई को एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। और बता दें कि घोषित 27% वेतन वृद्धि ने नहीं मिली है, इनके साथ ही 18 सूत्री मांगों हैं, जिसके लिए 22 और 23 जुलाई को ये हड़ताल पर रहेंगे। और निश्चित तौर पर जब ये हड़ताल पर रहेंगे तो प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से बिगड़ सकती है। अब इनकी मांगों में जो मुख्य बिंदु शामिल है उनमें निजीकरण, लंबित 27% वेतन वृद्धि, ग्रेड के निर्धारण, वेतन विसंगति निराकरण, पीआर व्यवस्था में सुधार, चिकित्सा परिचर्चा, अवकाश दिन में बदलाव, अनुकंपा नियुक्ति और अनुदान में राशि में वृद्धि सहित कई इनकी मांगे हैं। और आपको बता दें कि महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कौशलेश तिवारी के मुताबिक पिछले एक साल से 27% आंदोलन से आम जनता को होने वाली परेशानी के लिए शासन को जिम्मेदार ठहराया है। इनके अलावा एनएचएम प्रदेश कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमित कुमार मेरी, उनके मुताबिक कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो मानव संसाधन नीति 2018 से शासित होते हैं और समय के साथ वो नियमों में बदलाव की आवश्यकता है और नियमितीकरण सहित कुल 18 बिंदु की एक मांग है। और पिछले वर्ष जुलाई में जो 27% वेतन वृद्धि घोषित हुई थी और सरकार गठन से लेकर अब तक मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री सहित तमाम जो बड़े मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात करके अपनी मांगों से अवगत करा चुके हैं और कुल 24 बार इन्होंने ज्ञापन दिया है। और इनका यही कहना है कि जब भी ये मुलाकात करते थे तो हर मंत्री ने इनके निराकरण की बात कही, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण अब शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बताते, जहां प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ सकती है। 22 और 23 जुलाई को स्वास्थ्य कर्मियों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा।